सभी को नमस्ते। आज हम बनाएंगे स्याही पनीर। स्याही पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, पीसेज में काट लिया है, 4 प्याज छील लिए हैं, 4 टमाटर, 1 चम्मच छोटी चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, अदरक और लहसुन, हरा धनिया, कसूरी मेथी। ये मलाई ली है हमने, फेंट ली है, और घी। प्याज और अदरक लहसुन हमने इकट्ठे पीस लिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च साथ में पीस लिए हैं, और काली मिर्च लौंग इलायची कूट ली है। अब बनाना शुरू करते हैं। पहले 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अच्छे से फैला लिया है। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर हम बहुत थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा पनीर फ्राई करने से पनीर रबड़ जैसा हो जाता है। पनीर को बहुत कम टाइम के लिए फ्राई करेंगे। पलट देते हैं, हिला लेते हैं ताकि चिपके ना। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, निकाल लेंगे। निकाल लिया है हमने। अब हम थोड़ा घी और डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, जीरा तड़कने लगा है। अब डाल देंगे इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, अब हम डालेंगे इसमें प्याज जो हमने पीस लिए हैं, और अदरक लहसुन। अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा पक रहा है, मसाला पक रहा है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अब डाल दी टमाटो प्यूरी और हरी मिर्च साथ में पीस दी थी हमने। अच्छे से मिक्स कर ली हैं। मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला जितना अच्छा पकेगा सब्जी में उतना अच्छा ज़्यादा टेस्ट बनेगा। इसमें हम जल्दी पकाने के लिए थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। मसाला पकने लगा है। हम इसमें साथ में दूसरे मसाले भी ऐड कर देते हैं ताकि वो साथ में ही पक जाएंगे। ये हमने हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह पकाएंगे। मसाला पकने में 4-5 मिनट लगेंगी, लेकिन जितना अच्छा पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट बनेगा। कसूरी मेथी थोड़ी रगड़ के डाल दी है। अब हम डालेंगे हरा धनिया,
मसाला हमारा पकने लगा है। जब मसाला घी छोड़ने लग जाए तब समझो पक गया है। थोड़ा पानी ऐड करके और अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। मसाला हमारा पक गया है, अब हम डालेंगे इसमें मलाई। या क्रीम भी डाल सकते हैं, क्रीम नहीं हो तो मलाई फेंट के डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा कलर भी बन गया इसका। अब हम डालेंगे पनीर जो हमने पहले फ्राई कर लिया था, हल्का फ्राई किया था। पनीर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। किसी को गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो पानी ठीक है, हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। हम यहाँ एक गिलास पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो थोड़ा हमारा नमक बच गया था, आधा नमक हमने पहले डाल दिया था, बचा हुआ नमक और ऐड कर देंगे। सब्जी का कलर अच्छा बन गया है। अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मीडियम कर दिया है। सब्जी को हम बीच में भी चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। सब्जी हमारी बन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे, सब्जी सर्व कर दी है हमने। इस पे थोड़ी क्रीम डाल देंगे। गार्निश के लिए क्रीम डाल दी है, थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये हमारी शाही पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।